नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं नायक पोल्ट्री फार्म के ऊपर। और यहां पर जो है इस हफ्ते में चिक्स आने वाले हैं, तो यहां पे तैयारी चल रही है। तो अब तैयारी कैसी चल रही है और उसके साथ में फार्म के रिनोवेशन का भी कार्य चल रहा है, तो हम सब चीज़ों का जो है जायजा लेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस फार्म की फिर से आपको लेंथ और विड्थ तो बता दूं। इस फार्म की जो लंबाई है 150 फीट और चौड़ाई है 30 फीट। और ये फार्मर भाई पहले 2019 में इस फार्म का निर्माण किया था और तब से 2022 तक सुगना कंपनी के साथ में फार्मिंग की थी। उसके बाद में 2023 में सिमरन कंपनी के साथ में जुड़े और उसके बाद में सिमरन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस फार्म के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि आधी ज़मीन जो है इसमें कच्ची है, ये आप देख सकते हैं आधी तो बनी हुई है किंतु इसके आगे जो है कच्ची है। मैंने जब भी वीडियो बनाए हैं तब यहाँ पर बढ़ रहते थे तो हमें दिखता नहीं था कि मतलब यहाँ पर ज़मीन बनी हुई नहीं है या नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि आप ब्रॉयलर फार्मिंग कच्ची ज़मीन में भी हो सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। और ये करीब पिछले 4 साल से ये फार्मिंग इसमें होते आ रही है। आप दूसरा निप्पल सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि जब बढ़ रहते हैं तब प्रॉपर तरीके से दिख पाता हो या नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में 3 लाइन निप्पल की लगी हुई है और निप्पल के साथ में जो एक अच्छी चीज़ हम जिसको बोल सकते हैं, एक प्रकार से ऑटो ड्रिंकर हम बोल सकते हैं, ये है एक प्रकार से ऑटो ड्रिंकर जिसमें जिसकी कैपेसिटी है 500 ml पानी इसमें आसानी से आ सकता है। और इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए मैंने इसको खोल दिया, मैं इसको लगा देता हूँ आपको। ये देखिए ये लग गया। तो देखिए दोस्तों इसमें इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल सेम जिस प्रकार जस्ट हमारा ऑटो ड्रिंकर रहता है उसके जैसा ही है। इसमें बर्ड पानी पीते रहता है तो पानी इसमें जो है इसके वजन से जैसे ही ये पूरा भर जाता है इसके वजन से ये इसके अंदर स्प्रिंग है वो नीचे दब जाता है, जिससे जो है इसके अंदर पानी आना बंद हो जाता है। अब जैसे ही बर्ड पानी पिएगा तो इसका वजन स्वाभाविक से बहुत कम हो जाएगा, तो इसमें स्प्रिंग थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी और पानी इसमें आने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्लोट कप का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, निप्पल ड्रिंकर का तो मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बता ही दिया है कि मेरे हाथ से ही लगी हुई निप्पल ड्रिंकर सिस्टम है। 2019 में जब हमें इस बिज़नेस का कुछ भी आइडिया नहीं था तब हमने जो है इस निप्पल ड्रिंकर सिस्टम को परचेस किया और तब से ही ये सिस्टम लगा हुआ है। तो ये तो ये हो गया। और दो फ्लोट कप के बीच की डिस्टेंस करीब करीब 10 से 12 निप्पलों के बीच में जो है ये फ्लोट कप जो है लगा रखे हैं। ये देखिए, अब इसमें एक और चीज़ जो देखने लायक ये है कि अब इसमें कहीं से भी आपको जो है विंचिंग सिस्टम नहीं दिख रहा है। विंचिंग सिस्टम की बजाय फार्मर भाई ने क्या कर रखा है, देखिए ये सबसे सस्ता सिस्टम जो कि हर एक फार्मर भाई को हर एक जगह पे हर एक मार्केट लोकल मार्केट में अवेलेबल है। इस प्रकार से जो है इससे हाइट की निप्पल सिस्टम की हाइट को एडजस्ट करते हैं। इसमें ये हमारे 8 kg के फीडर हैं और ये टर्बो फीडर हैं। तो कुल मिला के दोस्तों हम अगर देखें, ये फार्मर भाई जो है सिमरन कंपनी के साथ में अभी इनका पिछला परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा, 1 पॉइंट पिछले बेच का परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 1.52 का FCR था और 2150 ग्राम बॉडी वेट था 35 दिन में। तो इसकी जब जीसी आएगी तो वो तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा, किंतु अभी जो पिछले बेच का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको ओवरऑल बता दूँ कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा पिछला दोनों बेच बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। तो ये तो हो गया हमारे परफॉर्मेंस की बात। अब दोस्तों इस के साथ में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कूलिंग के लिए, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न है तो कूलिंग के लिए क्या विशेष व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आपको, ये टेंट कूलर है, एक टेंट कूलर ये है, एक टेंट कूलर वो है। और इसके अंदर जो मोटर जो लगी हुई है 0.5 kW मतलब 500 वाट की इसमें मोटर लगी हुई है, वो सिंगल फेस की है। और इसकी जो कीमत करीब करीब 20,000 के आसपास इसकी कीमत है, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने परचेस किया था। और इसके जो एयर फ्लो की जो कैपेसिटी से कम ये 70 फीट तक आसानी से हवा दे सकता है। और अब ये इसको मैं थोड़ा सा चालू करके बता दूंगा। ये देखिए ये चालू हो गया, थोड़ा साउंड तो करता है किंतु हवा बहुत अच्छी स्पीड से ये देता है। तो चलिए दोस्तों ये तो इसके बारे में हो गया, कूलर के बारे में। ये दूसरा कूलर की भी कैपेसिटी सेम है, सेम डिस्टेंस पे हवा देते हैं। और अब हम टंकी की बात कर लें, 1000 लीटर की टंकी है, वो 200 लीटर की टंकी है, ये 300 लीटर की टंकी है। इसमें मेडिसिन के लिए और ये पानी के लिए, ये तो ये हो गया। और इसकी हाइट जो है ज़मीन से हाइट करीब 3 फीट ईस्ट, ये जो पानी की टंकी है 3 फीट हाइट पर रखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो अभी जो रिनोवेशन का काम ये चल रहा है कि ये SCC ब्लॉक लगा रखा है। और SCC ब्लॉक उस समय हमें पता नहीं था किस प्रकार से लगाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉपर तरीके से लगे नहीं थे, तो इसके कारण जो है ये देखिए पूरी तरीके से निकल गए। तो अब लास्ट बैच में क्या हुआ था कि नेवला घुस के करीब करीब 155 बच्चों को जो है नेवले ने मार दिया था, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ फार्मर भाई को। तो अब वो जो है यहाँ पे रिनोवेशन का काम कर दिया, इसके ऊपर जाली लगा दी है, ये मुर्गा जाली के ऊपर जाली लगा दी, जिससे
ना कुत्ते घुसेंगे अब ना नेवला या बिल्ली, किसी प्रकार से कोई डर नहीं रहेगा। इस प्रकार से तो फार्मर भाई को जो है फार्म के अंदर जो भी मेंटेनेंस का काम है वो तो करते रहना चाहिए। तो इन्होंने चारों तरफ कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बाहर से इसको जो है जाली को तो लगा रहे हैं, जिससे जो बिल्ली और कुत्ते और नेवले की जो समस्या है वो पूरी तरीके से जो है दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस फार्म का मुझे वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि कम लागत में भी ब्रॉयलर फार्मिंग की जा सकती है और कम स्पेस में भी ब्रॉयलर फार्मिंग करके और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इंटीग्रेशन फार्मिंग में भी जो है कुछ फार्मर भाई हैं जो कि इंटीग्रेशन फार्मिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो अब इनकी जो भी GC आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, किंतु करीब करीब 60 से 65 हज़ार के आसपास पिछली बार का बेच इनका बना था, ठंड का जो भी था, दिसंबर में बेच डाला था, जनवरी में बेच निकल गया, तो 66 हज़ार रुपये का बेच बना था 3,500 मुर्गियों का। तो अभी ये वाला जो बेच था 3,500 बढ़ डले थे, किंतु इसमें मोर्टलिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई थी कुछ एक्सीडेंटल कारण से। तो इस बार भी कम से कम 60 हज़ार के आसपास तो इनका जो है बिल जो सिमरन कंपनी से ये अच्छे से कमा लेंगे। तो दोस्तों 3,500 मुर्गियों से भी मतलब बढ़िया तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और अब इसकी जो तैयारी चल रही है, तो अब तैयारी के बाद में जब चिक्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि चिक्स का मैनेजमेंट गर्मी में यहाँ पे कैसा रहता है वो भी मैं जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।